तो बात करेंगे आज हम चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन जो आपके डीपीएससी फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है उसका। मैंने कुछ डिसीजेस कराई थी जैसे कि हमारा कॉलरा, मम्स, जॉन्डिस, टाइफाइड, ये डिसीजेस करा दी थी। अब हम बात करेंगे डिप्थीरिया की। ये डिसीजेस काफ़ी सारी हैं तो इसके मैंने सोचा लाइव सेशन में ना कराऊँ, ये एक वीडियो के थ्रू ही कराऊँ अलग अलग ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। ओके, सो डिप्थीरिया की हम पूरी प्रॉपर बात करेंगे। इसके अलावा मैंने चाइल्ड डेवलपमेंट की भी वीडियोस कुछ डाली हैं, अगर किसी ने नहीं देखी है तो चेकआउट कर लेना। और दूसरी चीज़, अभी एक दो दिन यानी कल संडे है, एक दो दिन में लाइव सेशन दोबारा लेने का ट्राई करती हूँ। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी इस वजह से अभी लाइव सेशन रेगुलर नहीं ले पा रही हूँ। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं डिप्थीरिया। डिप्थीरिया को हिंदी में वैसे हम डिप्थीरिया ही बोलते हैं या फिर गल झिल्ली। क्या होता है, मतलब गल झिल्ली बोलते हैं प्रॉपर, या झिल्लियाँ यानी जो थ्रोट में जो आपका पाइप होता है लैरिंग्स में, उसमें झिल्लियाँ बन जाती हैं। झिल्लियाँ यानी नेट, सपोज ये पाइप है और इसमें ऐसे ऐसे नेट सा बन गया, इसको बोलते हैं हम डिप्थीरिया हो गया। ये बेसिकली 2 से 5 साल के बच्चों में होता है। तो मेकिंग ऑफ नेट इन थ्रोट, स्वेलिंग, लसिका ग्लैंड, यहाँ पे लसिका ग्लैंड होते हैं तो उसमें जो है स्वेलिंग आ जाती है, वो सूज जाते हैं और इसको बोलते हैं कि इसमें पाइप में झिल्लियाँ बन गई, नेट बन गई। ओके, तो इट स्प्रेड्स यू टू कॉरिने बैक्टीरियम डिप्थीरिया। तो अगर क्वेश्चन आता है 1 मार्क में कि नेम द बैक्टीरिया विच कॉज डिप्थीरिया, तो आप लिखोगे कॉरिने बैक्टीरिया, कॉरिने बैक्टीरियम डिप्थीरिया। उसके बाद ये बहुत पॉइजनस डिजीज है और ये ज़्यादातर यूजुअली विंटर्स में यानी ठंड में होती है। और जो इस चीज़ के माइक्रोब्स होते हैं यानी जो ये कॉरिने बैक्टीरियम है, ये बहुत ज़्यादा क्या करता है, ये हमारे जो बॉडी में लैरिंग्स होता है, लैरिंग्स कॉक्स, जिससे हमारी आवाज़ आती है, ये उसमें पाया जाता है, उसमें ग्रो करता है और हमारे थ्रोट को और विंड पाइप को यानी हमारे गले को और विंड पाइप को जो है नुकसान पहुंचाता है, इफेक्ट करता है। उसके बाद ये देखा जाता है कि 2 से 5 साल के बच्चों में होता है। और माइक्रोब ऑफ दिस डिसीज मल्टीप्लाई देमसेल्व्स वेरी फास्ट, जो इस डिसीज का ये माइक्रोब है ये बहुत जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करता है अपने आप को और हेल्दी पर्सन के बॉडी में भी एंटर करता है, चाहे वो खांस रहे हैं या स्नीज कर रहे हैं तो उसके माइक्रोब्स आ जाते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, इंक्यूबेशन पीरियड यानी ये इसकी मियाद, ये कितने दिन तक डिसीज रहती है, तो ये 2 से 5 दिन तक रहती है। और इसके अगर सिम्टम्स की बात करूँ यानी इसके लक्षण, कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपको किसी बच्चे को या किसी को डिप्थीरिया हुआ, तो जो साउंड है वो प्रॉपर नहीं आएगी, लो हो जाएगी, खाने में प्रॉब्लम होगी, दर्द होगा ना गले में क्योंकि स्वेलिंग आ गई है, सर में दर्द आएगा, वीकनेस आएगी, हल्का हल्का बुखार हो सकता है, भूख ना लगे, और जुकाम और थ्रोट इन्फेक्शन हो सकता है, और सांस लेने में दिक्कत होगी, सफोकेशन होगी, और कभी कभी किसी किसी बच्चे में पैरालिसिस भी हो जाता है बॉडी पार्ट्स का। तो अब मैं बात करूँ ट्रीटमेंट या प्रिवेंशन की, कि हम क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं इसका, या पहले से ही क्या प्रिवेंशन ले सकते हैं। तो आइसोलेट द पेशेंट को आइसोलेट कर दो, अगर उसको मतलब उसको डिप्थीरिया है तो उसको थोड़ा अलग लेटाओ, उसके बर्तन, उसका सब कुछ अलग रखो, उसको या फिर हॉस्पिटल में एडमिट करो या फिर एडिक्वेट लिक्विड फूड दो उसको, क्योंकि उससे खाया तो जाएगा नहीं, गले में दर्द है तो उसको लिक्विड फूड दो। और पेशेंट के बेड को, यूटेंसिल्स को, बेडशीट को डिसइंफेक्ट करते रहो। और अगर बच्चे को वैक्सीन नहीं लगवाई, वैक्सीन लगवाओ। और अगर बच्चों को अभी डिप्थीरिया नहीं हुआ है लेकिन फिर भी प्रिवेंशन लेना चाहते हो तो वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन कराओ। ओके, सो आप पहले तो उसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना है तो। देन अब ये था मेरा डिप्थीरिया, इसके बाद भी बहुत सारी डिसीजन रह रही हैं तो मैं ट्राई कर रही हूँ कुछ लाइव सेशंस में, कुछ वीडियोस में करा दूँ और साथ साथ अभी UCC और लैंग्वेज का भी कराना है, तो डोंट वरी, करा दूँगी पूरा। और अगर इसकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ साथ इसमें कहीं प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर मुझसे ज़रूर पूछें।